आप इस तरह खुले में घूमते हैं, आपको डर नहीं लगता सर? किस बात का? गोली तो घर पे भी चलती है, रस्ते पे चले उसमें क्या है? मुझे किसी भी तरह वर्षा के किडनैपर्स को पकड़ना है सर। वो जो आप कहते हैं कि वो टेररिस्ट अफगानिस्तान भाग गए होंगे, पर बंटी भैया तो यहीं पर होगा। मुझे किसी भी तरह बंटी भैया तक पहुंचना है सर। क्यों, जब तक बंटी भैया को नहीं पकड़ते वो शादी नहीं करेगी? बंटी भैया के जरिए मैं उन किडनैपर्स को पकड़ लूंगा, उसके बाद ही वर्षा को प्रपोज करूंगा। अच्छा चलो, हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन आधा दहेज हमारा। फेक एनकाउंटर करते हैं, एक दो बंदों को उड़ा देते हैं, कह देंगे यही थे टेररिस्ट। वाह भैया, कमाल का गाना है जी। मालूम है किस फिल्म का है? सावन की घटा। म्यूजिक डायरेक्टर कौन है? सलील चौधरी है। ओपन एयर। अच्छा, और ये बाप रे, सर आप घबराइए मत, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। साले मुझे मौत दिखाई दे रही है और तू कहता है घबराइए मत। मुझे कुछ हो गया तो न्यूजीलैंड में मेरी बीवी को फोन कर देना, वो मेरे अलमारी में 25 लाख एक छोटे से बैग में। सर आप बात मत कीजिए, ऐसी नौबत नहीं आएगी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा बस। ए साले, मुझे यमराज दिख रहा है, काला भैंसे पे सवार। आजाद साले, उठा उठा, मुझे घुस लेता है क्या? सर आप प्लीज चुपचाप बैठे रहिए। ए चिल्ला मत मुझ पे। थैंक यू, थैंक यू मोहित। सर आप प्लीज कुछ बोलिए मत। सर प्लीज प्लीज बॉय, तू यहीं रुक यार। शागिर्द होता है सर। अरे बस तो जागा ना हनुमंत, बंटी का पता बताए बिना मरना नहीं चाहिए वो। आप चिंता मत कीजिए सर, निशाना बिल्कुल सही जगह लगा है, गोली सिर्फ पेट को छूते हुए निकली है सर, और वैसे भी .22 से फायर करवाया था। कुछ नहीं होगा हनुमंत सिंह को, बल्कि इस बार वो मुझे सिर्फ शाबाशी नहीं देगा, अगर बंटी भैया उसके पास है तो वही मेरा इनाम होगा। अरे उसके बताने के बाद भी पक्का कर लेना कि बंटी उसके पास है। हाँ बुआ, तैश में आगे गोली मत ठोक दियो। आप अपनी सलाह अपने पास रखिए, आपकी सलाहों की वजह से इनका यह हाल है। ना ना, अभी तक तो ठीक ही चल रहा है ये। जिस दिन इसका दिमाग थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ, तेरे से गोली पड़वाऊंगी इसमें। क्यों पंडित, कुर्बानी देगा मार ली कि नहीं? मणि, पंडित के इस तिलक की कसम, अगर ये छुआरा बंटी भैया ने ढूंढ लिया ना, तो मेरी छाती होगी और इसके पिस्तौल। मैं चलता हूँ सर, कल हनुमान से मिलूंगा, बंटी भैया का पता वो मुझे देगा ही, पर सर मेरा नाम क्या होगा? यंगेस्ट कमिश्नर ऑफ दिल्ली। उसके अलावा 1 करोड़ और लूंगा सर, जहां हनुमान चोरी से 15 मांग रहा है, 1 पे तो मेरा हक बनता है। दिया। थैंक यू सर, मैं चलता हूं। पंडित, बंटी का पता लगते ही इस छुआरे में भी गोली दाग दे। अरे मणि, किस किस को गोली दगवाएगा? हौसला रख, तेरा नंबर सबसे बाद में आओगा। हम इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, जहां क्राइम ब्रांच के सीनियर इंस्पेक्टर हनुमंत सिंह को मीडिया से काफी दूर रखा जा रहा है, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ से पता चला है कि उनकी हालत में काफी सुधार है। हालांकि सब इंस्पेक्टर मोहित कुमार ने दोनों हमलावरों को घटना स्थल पर मार गिराया है, लेकिन इस बात का पता अभी तक नहीं चला है कि वो दोनों कौन थे और कहां से आए थे। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं संजीव वत्स, इंडियन न्यूज़। लगता है मीडिया की एंट्री बैन। हेलो अविनाश। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? Absolutely fine. अगर इजाजत दो तो दौड़ के घर जाएंगे। वाह सर, क्या बात है। अरे आप क्या कर रही है यहाँ? सर मीडिया इज रियली गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, सॉरी मैं आपसे बिना पूछे नहीं यहाँ ले आया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है आप लोग बातें कीजिए फिर, मैं चलता हूँ। ओके ठीक है सर, हम भी निकलते हैं सर। जाइए सर। अच्छा बैठो। थैंक यू सर। आई एम वेरी सॉरी सर, परसों मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की।
नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, इतने स्ट्रेस के बाद इतनी भड़ास तो बिल्कुल जायज़ है। आपके दोस्त ने, हमारी बॉयफ्रेंड ने जान बचाई। ऑपरेशन करना तो उनका काम है। नहीं ऑपरेशन कहाँ, ऐसे ही टहल रहे थे इंडिया गेट पे, गोली चली तो जान पे खेल के उन्होंने हमें बचाया। किसकी बात कर रहे हैं आप? मोहित। मोहित मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मेरी तो अविनाश से एंगेजमेंट होने वाली है। किसी छोरी का था? मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था सर। अगर मरने वाली की जगह तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो क्या करते हैं? सर मैं उन किडनैपर्स को छोड़ूंगा नहीं, मुझे किसी भी तरह बंटी भैया तक पहुंचना है सर। क्यों, जब तक बंटी भैया को नहीं पकड़ते वो शादी नहीं करेगी? ये कौन? नया बंदा है फोर्स में, सीधा क्राइम ब्रांच में कैसे आया? कोई बड़ा कनेक्शन लगाया, बोलना मत किसी को। न्यूजीलैंड गई है फैमिली। फैमिली को न्यूजीलैंड भेज रखा, खुद के वीजे के लिए अप्लाई कर दिया। अब आप कुछ सोच रहे हैं? नहीं, वो टेररिस्ट के बुलाने पे आप इंटरव्यू के लिए जाती हैं, पुलिस की मदद करेंगे आप? क्यों नहीं सर, बिल्कुल करेंगे। यार मोहित मुझे माफ कर दे यार, मैं जानता हूँ तू वर्षा से बहुत प्यार करता है, साला आज से नहीं तू उसको क्लास 3 से प्यार करता है यार। बट आई प्रॉमिस है मोहित, मैं और वर्षा मिलके तेरे लिए इतनी अच्छी लड़की ढूंढेंगे, आई प्रॉमिस। आई एम गेटिंग मैरिड। अविनाश बच गया मोहित, वो मरा नहीं। ऐसा क्या है तुम में कि हर एक्सीडेंट में दूसरा मरते मरते बचता है और तुम्हें एक खरोच भी नहीं लगती?